हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फैमिली कंपोजिटी के बारे में, यानी एस्टेरेसी। इसका दूसरा नाम है एस्टेरेसी, ठीक है। इसके पहले हमने डाइकॉट की 8 फैमिली का लेक्चर दे दिया है और वीडियो भी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से सभी फैमिली का नोट्स आप बना लीजिए। ओके, आइए बात करते हैं कंपोजिटी के बारे में। फैमिली कंपोजिटी या फिर फ्लावर की फैमिली पूछता है कि फ्लावर वाली फैमिली कौन सी है, तो आप सीधा सीधा बता दीजिए कंपोजिटी या एस्टेरेसी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर सिस्टमैटिक पोजीशन से बात करेंगे स्टार्टिंग। और ये जो फैमिली का डिस्क्रिप्शन किया जाता है, डाइकॉट या मोनोकॉट हो, जनरली किस बेस पे है? बेंथम होकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बेस पे है, लेकिन यहाँ पर हचिंसन का भी हम सिस्टमैटिक पोजीशन बताएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बेंथम हुकर का, अकॉर्डिंग टू बेंथम हुकर ने इसको फैमिली कंपोजिटी को या एस्टेरेसी को डाइकॉट में रखा। किसमें? डाइकॉटिलिडेंस। ओके, दूसरा हो जाएगा इसका क्लास, क्या हो जाएगा? गैमोपेटली। गैमोपेटली क्यों? क्योंकि इसके जो पेटल्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं, और जिन फैमिली के प्लांट्स के फ्लावर में पेटल्स फ्यूज होते हैं उन्हें जनरली किस में रखा गया है? गैमोपेटली में रखा गया है। ओके, नेक्स्ट इनफेरी सीरीज हो जाएगा, इनफेरी। उसके बाद ऑर्डर जाएगा एस्टेरेल्स और फैमिली कंपोजिटी। दूसरा हचिंसन का, हचिंसन ने भी इसको डाइकॉट में रखा है, क्योंकि द्विबीजपत्री प्लांट जनरली पाए जाते हैं, इसलिए क्या है? डाइकॉट। हर्बेसी, सभी प्लांट जनरली हर्ब होते हैं, इसलिए हर्बेसी में रखा इन्होंने। और ऑर्डर एस्टेरेल्स, फैमिली एस्टेरेसी। इस तरीके से सिस्टमेटिक पोजीशन हो गया, ठीक है। ये देखिए सनफ्लावर का प्लांट है, यहाँ पे आप लोग देखे ही होंगे। ओके, आइए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, फैमिली कंपोजिटी का डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में हो जाएगा जनरली 900 जेंडा एंड 20,000 स्पीसीज इन वर्ल्ड। पूरे विश्व भर में 900 जेंडा और 20,000 स्पीसीज पाई जाती हैं इस फैमिली के अंतर्गत। ओके, वहीं इंडिया के केस में 138 जेंडा और 709 स्पीसीज इंडिया के केस में यानी भारत में अपने पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट आइए शुरुआत करते हैं इसका डिस्क्रिप्शन कैसे किया जाता है। सबसे पहले वेजिटेटिव करेक्टर का डिस्क्रिप्शन किया जाता है। वेजिटेटिव करेक्टर में कौन कौन से हेडिंग हो जाएगी इसको आप देख लीजिए। सबसे स्टार्टिंग में आपको हैबिट पढ़ना होगा, प्लांट्स की हैबिट क्या है। तो प्लांट्स की हैबिट आपके सामने लिखा हुआ है, मोस्टली एनुअल होते हैं। प्लांट जनरली एक वर्ष के अंदर ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एनुअल। ओके, और पेरिनियल हर्ब या बहुवर्षी, पेरिनियल मतलब बहुवर्षी, बहुवर्षी हर्ब जनरली हर्ब्स होते हैं, हर्बेसियस प्लांट होते हैं, यानी वुड नहीं पाया जाता, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। ओके, फ्यू आर सब, कुछ क्या होते हैं? श्रब भी होते हैं, श्रब मीन्स झाड़ियाँ। ओके, आर वार ट्रीज, कुछ ट्री प्लांट भी होते हैं। ट्री में हमने एक एग्जांपल यहाँ पे दे दिया है, बर्नोनिया अर्बोरिया, बर्नोनिया अर्बोरिया ट्री है। आर वार ऊडी क्लिम्बर, ऊडी भी होगा, लकड़ी भी पाई जाएगी, और क्लिम्बर्स होगा यानी सहारे के माध्यम से चढ़ता है या आगे बढ़ता है, जैसे मिकानिया। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है रूट। रूट कैसी होती है? अगर डाइकॉट प्लांट है तो जनरली रूट कैसी होगी? टैप रूट होगी, यानी गहराई में गई होगी। ट्यूबरस रूट प्रेजेंट इन डहेलिया, डहेलिया में ट्यूबरस रूट पाई जाती है। और क्या है? हेलियंथस ट्यूबरोसस, हेलियंथस ट्यूबरोसस में भी रूट कैसी होगी? है ट्यूबरस होगी। नेक्स्ट अगली हेडिंग है स्टेम, रूट के बाद क्या आता है? स्टेम। स्टेम कैसा होगा? एरियल होगा, यहाँ पर आप कॉमा कर दीजिएगा, एरियल होगा, इरेक्ट होगा, आर वार प्रोस्टेट, एरियल भी होगा यानी वायवी भाग में निकला होगा, ठीक है। इरेक्ट मीन्स सीधा होगा, ऐसे सीधा होगा, तो उसको बोले हैं इरेक्ट। आर प्रोस्टेट, यदि जमीन में चलता हुआ होगा, रेंगता हुआ प्लांट होगा, तो उसे बोलते हैं प्रोस्टेट। में भी प्रोस्टेट प्लांट भी कुछ होते हैं। सॉलिड प्लांट्स कैसे होंगे? सॉलिड होगा यानी ठोस होगा, खोखला नहीं होगा, सॉलिड होगा। ब्रांच्ड, ब्रांचेज पाई जाएगी यानी तने में शाखाएं निकली होगी। कंटेन आयल पैसेजेज
क्या करेगा, स्टेम में आयल पैसेजेस भी पाए जाते हैं। ओके, अगर स्टेम में स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाए जा रहे हैं तो उसके बोलेंगे हेयरी आरवार स्मूथ, और नहीं है तो स्मूथ बोलेंगे। इस तरह से हो गया स्टेम। नेक्स्ट हेडिंग है लीव्स, पत्तियां कैसी पाई जाती हैं, इसमें लीफ कैसी होती है देखते हैं। आइए, सिंपल लीफ कैसी होगी, सिंपल लीफ होगी। सिंपल लीफ कैसे पता करेंगे आप, अगर एक पेटियोल में एक ही लीफ पाई जा रही है तो उसको बोलेंगे सिंपल लीफ। ओके, दूसरा दिया है आर वार पिनेटली, आर वार पालमेटली लोब। अब पिनेटली लोब, पिनेटली क्या है और पालमेटली लोब क्या है इसको देख लीजिए। ओके, देखिए पिनेटली पहले समझिए, एक पेटियोल में छोटे छोटे इस तरीके से अगर पिन्ना लाग पाए जा रहे हैं लीफ तो उसको बोलेंगे पिनेटली, ठीक है। और अगर पालमेटली बोला जा रहा है तो पालमेटली मीन्स पाम लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होंगे ऐसे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो इसको बोलेंगे पालमेटली लोब। कुछ प्लांट में पालमेटली लोब होता है और कुछ में पिनेटली होता है। ओके, तो इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट है अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या है, अगर एक लीफ यहाँ पाई जा रही है और दूसरी लीफ यहाँ पाई जा रही है तो इसको बोलिए, यानी एक इधर साइड में तो दूसरा दूसरे साइड में अल्टरनेट करके, यानी कुछ डिस्टेंस के बाद निकलती है तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट। अर्ली अपोजिट, स्टार्टिंग में यानी प्लांट जब स्टार्टिंग ग्रोथ करता है तो उसमें अपोजिट लीफ होती है। अपोजिट क्या है, अब अगर एक के बाद एक, एक इधर साइड लीफ निकल रही है तो दूसरा उसी के जस्ट अपोजिट निकल रही है दूसरे साइड में तो उसको बोलेंगे अपोजिट, जैसे हेलियंथस में, सनफ्लावर में। आर वार कंपाउंड यानी पालमेटली पिनेटली कंपाउंड। एग्जिस्टोप्लेट, एग्जिस्टोप्लेट क्या है, अब यदि लीफ निकली है ऐसे, ठीक है ये लीफ निकल गई, इसके नीचे छोटा सा लीफ लाइक प्रोजेक्शन है तो उसको बोलते हैं स्टिप्यूल। अब स्टिप्यूल नहीं होता तो उसको बोल देते हैं एग्जिस्टोप्लेट, अगर है तो स्टिप्यूलेट बोलते हैं। ओके, पेटियोलेट, लीफ की पेटियोल कैसे पता करेंगे, पेटियोल। अब लीफ जनरली होती है इस तरीके से, लीफ निकली हुई है, इसके नीचे जो ये स्टाक बना हुआ है इसी को बोलते हैं पेटियोल। तो क्या बोलेंगे आप, अगर पेटियोल पा जा रहा है तो पेटियोलेट, नहीं है तो आप बिल्कुल लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। इंटायर, अगला है फ्लोरल करेक्टर, ठीक है फ्लोरल करेक्टर। फ्लोरल करेक्टर में क्या हो जाएगा, सबसे पहले नंबर पर हो जाएगा इनफ्लोरसेंस। इनफ्लोरसेंस क्या है, देखिए इनफ्लोरसेंस अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, बड़े सिंपल भाषा में आप इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं, फ्लावर के अरेंजमेंट को ही इनफ्लोरसेंस कहते हैं। यानी किसी भी प्लांट में जो फ्लावर अरेंज होते हैं, अब किस बेस में है, कितने टाइप का होता है, अगर आपको इनफ्लोरसेंस के बारे में डिटेल पढ़ना है तो हमने तीन टाइप के इनफ्लोरसेंस होते हैं, रेसिमोज, साइमोज और स्पेशल टाइप के, इन तीनों टाइप के इन्फ्लोरसेंस को डिटेल में हमने पढ़ा दिया है, वीडियो भी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, नहीं समझ में आ रहा है तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, वहाँ से आप जा करके आसानी से देख सकते हैं तीनों टाइप के इन्फ्लोरसेंस। ओके, सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्फ्लोरसेंस होता क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज नोन एज इन्फ्लोरसेंस, यही डिफिनेशन आप लिख लीजिए, फ्लावर के अरेंजमेंट को ही इन्फ्लोरसेंस कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कंपोजिटिव फैमिली में फ्लावर किस टाइप का अरेंज होता है, रेसिमोज, जनरली कैसा होगा, रेसिमोज हेड, रेसिमोज होगा, लेकिन उसमें भी कई टाइप होते हैं तो उसका कौन सा टाइप है, हेड होगा। और वारिसी को कैपिटुलम बोलते हैं, कैपिटुलम इन्फ्लोरसेंस आप कैसे पहचानेंगे, आइए देखते हैं, इस तरीके से बना होगा, एक छोटी सी डिस्क बनती है, यहाँ पर फ्लावर अगर अरेंज होते हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटुलम इन्फ्लोरसेंस। और अच्छे से पहचानना चाहते हैं तो आप गेंदे का फूल लीजिए, देखिए एक छोटी सी डिस्क होती है वाइट कलर की, उसमें छोटे छोटे फ्लावर जो अरेंज होते हैं उसी को एक फ्लावर कहते हैं, यानी एक फ्लावर है, और इन सब को ग्रुप ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं, यानी इन्फ्लोरसेंस आप कहेंगे। ओके, तो कैपिटुलम होगा जनरली, रेसिम होगा और कोरिम होगा, मे भी कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें रेसिम टाइप होगा और उसको आर और क्या बोलते हैं, कोरिम भी बोलते हैं, ठीक है। कॉमा कोन लाइक, अब ये जो डिस्क बनती है इस पर ग्रुपिंग में हो जाता है फ्लावर, तो ये कोन की तरह बिहेव करता है
अब कोन के बारे में क्या होता है, कोन क्या होता है आप जानते होंगे, आप लोअर प्लांट्स पढ़े होंगे, जिम्नोस्पर्म, टेडोफाइट्स, इन सभी में कोन का फॉर्मेशन होता है, तो आप अच्छे से जान रहे होंगे उम्मीद करता हूँ। नहीं जान रहे होंगे तो कोई बात नहीं, आपको उसका भी वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट है उसी में विद एन एनुलोसिरेट ऑफ ग्रीन ब्रैक्ट। अब ये ग्रीन ब्रैक्ट पाया जाता है, यानी आप ये देखेंगे जो डिस्क बना हुआ है इसके चारों तरफ क्या बनते हैं, ग्रीन ब्रैक्ट होता है, तो उसको बोल रहे हैं ग्रीन ब्रैक्ट भी पाया जाता है। कैपिटुलम कंसिस्ट टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस में दो टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं, यानी कंपोजिटी में दो टाइप के फ्लावर पाए जाएंगे। जो डिस्क बनती है उसमें जो फ्लावर का अरेंजमेंट है वो टू टाइप्स का होगा। ओके, एक को बोलते हैं रे फ्लोरेट और दूसरे को बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट। आइए देखिए दिया गया डिस्क फ्लोरेट रे फ्लोरेट। अब डिस्क और रे को कैसे आप पहचानेंगे, दिया है बॉर्न इन सेंट्रल ऑफ कैपिटुलम। कैपिटुलम फ्लावर के सेंट्रल में जो फ्लावर होते हैं उन्हें हम डिस्क फ्लोरेट बोलते हैं, और जो पेरीफेरल रीजन पे फ्लावर अरेंज होंगे उन्हें हम रे फ्लोरेट बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट स्टडिंग है फ्लावर। फ्लावर क्या है, फ्लावर्स ब्रैक्टीएट। जनरली फ्लावर में ब्रैक्ट पाया जाएगा। ब्रैक्ट क्या है, कैसे आप पता करेंगे कि ब्रैक्ट पाया जा रहा है, आइए देखते हैं। ये मान लीजिए फ्लावर निकला हुआ है, इस फ्लावर के यहाँ पर छोटा सा बड लाइक स्ट्रक्चर अगर होगा तो उसको हम बोलते हैं ब्रैक्ट। और जब ब्रैक्ट पाया जाएगा तो फ्लावर कैसे लिखा जाएगा, ब्रैक्टीएट। और ब्रैक्टीएट का सिंबल होता है BR। ओके, अब इसमें भी कहीं छोटा सा अगर लीफ लाइक प्रोजेक्शन बीच में निकल जाता है तो उसको बोलते हैं BRL, यानी ब्रैक्टियोलेट, जो कि इसमें नहीं है। ठीक है, किसी किसी प्लांट में होगा तो आप लिख दीजिएगा, ये पर्टिकुलर किसी एक प्लांट का नहीं है बल्कि फैमिली का है। ठीक है, एक्टिनोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक क्या है, फ्लावर को किसी भी एंगल से कट करने के बाद अगर इक्वल अमाउंट में बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं एक्टिनोमार्फिक। आप चाहे जितने इसको सेक्शनिंग कीजिए, अगर इक्वल अमाउंट में बढ़ता है तो उसको आप एक्टिनोमार्फिक बोलते हैं, नहीं बढ़ता है तो उसको बोलते हैं जाइगोमार्फिक। जैसे मान लीजिए दो कैलिक्स छोटे हैं और दो कैलिक्स बड़े हम बना दे रहे हैं, अब इसको एक बार आप कटिंग करेंगे तो इक्वल अमाउंट में बढ़ जा रहा है, लेकिन दूसरी बार जब कटिंग करेंगे तो एक तरफ ज़्यादा हो जा रहा भाग और दूसरी तरफ कम है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं जाइगोमार्फिक। ओके, हर्माप्रोडाइट। हर्माप्रोडाइट का क्या मतलब है, यदि किसी फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों एक ही में हो तो उसको बोलते हैं हर्माप्रोडाइट, यानी बाईसेक्सुअल, आर वार यूनिसेक्सुअल, या फिर कुछ यूनिसेक्सुअल भी होंगे जैसे मेल आर वार फीमेल, कुछ में मेल सिर्फ होगा और कुछ में सिर्फ फीमेल होगा। पेंटामेरस, प्लांट कैसा होगा जो फ्लावर होंगे इसमें पेंटामेरस कंडीशन, यानी कैलिस और क्रोला के नंबर कितने होंगे, पांच होंगे। इपिगानस, ओवरी इपिगानस होगी। इपिगानस का मतलब होता है कैलिस क्रोला एंडोसियम सभी ओवरी के ऊपरी भाग से निकलते हैं। मान लीजिए ये है ओवरी, ओवरी कहाँ होगी, नीचे होगी, और ये सभी यहाँ ऊपर से निकलते हैं तो उसको बोलते हैं, यानी ये कैलिक्स और यहीं से स्टेमेंस भी, इसको बोलते हैं क्या बोलेंगे, इपिगानस कंडीशन। और इस कंडीशन में ओवरी कैसी हो जाती, इन्फीरियर हो जाती है। ठीक है, आइए अब एक एक फ्लावर को, यानी रे फ्लावर और डिस्क फ्लोरेट, इन सबको अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले रे फ्लोरेट। रे फ्लोरेट में जो कैलिक्स होता है नंबर ऑफ कैलिक्स फाइव होंगे, आर वार माइन्यूट हेयर लाइक होंगे, या माइन्यूट हेयर लाइक होंगे तो उसको बोलते हैं पैपस। अब यही पैपस फ्यूज होते हैं तो उसको बोलते हैं गैमोसेपलस। आर वार फ्री, ये फ्री भी हो सकते हैं और वॉल्वेट कंडीशन में होंगे। वॉल्वेट कंडीशन क्या है, एस्टिवेशन, यानी एस्टिवेशन वॉल्वेट होगा। एस्टिवेशन क्या होता है और कितने टाइप का होता है इसका भी वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, आप सीधा प्लेलिस्ट में जाइए एंजियोस्पर्म में, और उस एंजियोस्पर्म प्लेलिस्ट में आपको एस्टिवेशन भी मिल जाएगा, सभी टाइप के एस्टिवेशन मिल जाएंगे डिटेल में पढ़ने को, तो वहाँ से आप जाइए समझ लीजिए क्या होता है। ओके, क्रोला। क्रोला को अल्टरनेट क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं।
ठीक है, 5 पेटल्स होंगे, सभी क्या होंगे, गैमोफॉर्म में होंगे, जुड़े होंगे, किस तरीके से, 2 बाई 3 के लोब में जुड़े होंगे, यानी 2 ऊपर अलग होंगे और 3 अलग होंगे एक साथ, ठीक है। वाल्वेट, या ये भी क्रोला भी कैसा होता है, इसमें वाल्वेट होता है। नेक्स्ट स्टडिंग है एंडोर्सियम, ये बात आप समझिएगा कितने फ्लोरेट का चल रहा है, अभी डिस्क फ्लोरेट बाकी है, ठीक है, एंड्रोसियम अब्सेंट होगा, ठीक है। एंड्रोसियम कैसा होगा, रे फ्लोरेट में एंड्रोसियम अब्सेंट होगा, लेकिन गाइनेशियम प्रेजेंट होगा। गाइनेशियम देखिए बाइकार्पेलरी, यदि कार्पेल्स 2 बनते हैं तो उसको बोलेंगे बाइकार्पेलरी। लाक्यूल्स भी, यानी जो ये रिक्त स्थान उसे लाक्यूल बोलते हैं, लाक्यूल भी कितने होंगे इसमें, इस केस में कार्पेल्स 2 होंगे लेकिन लाक्यूल 1 ही होगा। अब इसको कैसे पहचानेंगे, देखिए ये देखिए कार्पेल्स 2 बन जा रहे हैं, 2 पार्ट बन रहे हैं ना, लेकिन बीच में कोई सिप्टा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है इस तरीके से, यानी ये पूरा का पूरा लाक्यूल एक ही है, तो इसको बोलते हैं यूनिलाकुलर, ठीक है, बाइकार्पेलरी यूनिलाकुलर। सिनकार्पस, किसी किसी में सिनकार्पस होगा, यानी कार्पेल्स कैसे होंगे, जुड़े होंगे तो सिनकार्पस बोलेंगे, ठीक है। विद सिंगल बेसल एनाट्रोपस ओव्यूल, एक ओव्यूल लगेगा, ठीक है, सिंगल ओव्यूल ही लगेगा, कहाँ पे लगेगा, बेस पे लगेगा, तो बेसल पे लगेगा, यानी बेसल प्लेसेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। डिस्क प्रेजेंट होगा एट द टॉप ऑफ ओवरी के टॉप पर, ठीक है। ओवरी कैसी हो जाएगी, इन्फीरियर, क्योंकि एपिगैनस कंडीशन था, तो जाहिर सी बात है ओवरी इन्फीरियर होगी, ओके। अगला है डिस्क फ्लोरेट, ठीक है, नेक्स्ट डिस्क फ्लोरेट है, देखते हैं इसमें कैलिक्स। सबसे पहले कैलिक्स, डिस्क फ्लोरेट में कैलिक्स जो है एज लाइक रे फ्लोरेट, जैसे आपने ऊपर टॉप पे रे फ्लोरेट के बारे में पढ़ा, जिस तरह से कैलिक्स उसमें पाया जा रहा था, सेम इसमें भी, यानी डिस्क फ्लोरेट में भी कैसा होगा, रे फ्लोरेट की तरह कैलिक्स पाया जाएगा, नंबर ऑफ 5 या फिर हेयर लाइक्स होंगे, यानी पैपस के रूप में होंगे। कोरोला एज लाइक रे फ्लोरेट, कोरोला भी रे फ्लोरेट की तरह ही होगा, यानी नंबर आप जितने रे फ्लोरेट में थे उतने ही इसमें भी हैं। नेक्स्ट है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम क्या है, 5 स्टेमेंस होंगे, यानी मेल सेक्स ऑर्गन 5 स्टेमेंस जनरली होंगे, यूनाइटेड सभी जुड़े होते हैं, बाय दियर एंथर फार्मिंग ए ट्यूब, एंथर में जो ट्यूब लगा होता है, यानी ट्यूब के माध्यम से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, अराउंड द स्टाइल एपिपेटलस, स्टाइल से जुड़े होंगे साइड से, और एपिपेटलस कंडीशन होगा, एपिपेटलस कंडीशन का मतलब सभी जो एंड्रोसियम होंगे वो किससे जुड़े होंगे, पेटल से, अल्टरनेट विद पेटल्स, तो उसको बोलते हैं एपिपेटलस। डाइथिकस, सभी एंड्रोसियम कैसे होंगे, डाइथिकस होंगे, यानी 2-2 थीका होगा, तो उसको डाइथिकस बोलते हैं। इंट्रोर्स एंड सिनजिनेशियस कंडीशन, अब ये सिनजिनेशियस कंडीशन क्या है इसको जान लीजिए, ये बार बार एक नंबर में पूछा ही जाता है, यानी सिनजिनेशियस कंडीशंस क्या होता है, कभी कभी एक नंबर में ये भी आ जाता है सिनजिनेशियस कंडीशंस, जो स्टेमस अरेंजमेंट होता है वो कौन सी फैमिली में पाया जाता है, तो कंपोजिटी आप दिमाग में बने रख लीजिए। होता क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे, जब एंथर लोब जो होते हैं फ्यूज होंगे और उसके फिलामेंट्स जो होंगे वो सब फ्री होंगे, तो उसको बोलते हैं सिनजिनेशियस स्टेमेंस, ठीक है। तो ये कंपोजिटी यानी स्टेरेसी का करेक्टरिस्टिक फीचर्स है, अब इसको आप लिख सकते हैं करेक्टरिस्टिक फीचर्स में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लैक पेन से अच्छे से अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला है गाइनेशियम, गाइनेशियम सेम रे फ्लोरेट की तरह है, वैसे भी आप लिख लेंगे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। इन्फीरियर ओवरी पाई जाएगी एपिगैनस कंडीशन होने की वजह से, कार्पल्स 2 होंगे, सभी यूनाइटेड होंगे, यानी जुड़े होंगे, फ्यूज होंगे, ठीक है। इन्फीरियर ओवरी, सिंगल ओव्यूल होगा सेंट्रल रीजन में, ठीक। अगला नेक्स्ट हेडिंग है फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपका फ्लोरल फार्मूला तैयार हो जाता है तो लगभग आप फैमिली का डिस्क्रिप्शन आसानी से कर सकते हैं, और फ्लोरल फार्मूला अगर याद है तो आप फ्लोरल डायग्राम भी आसानी से बना सकते हैं, देखिए। और यदि आपका फ्लोरल डायग्राम तैयार है
तो आप फार्मूला भी बना सकते हैं और फैमिली का डिस्कशन भी कर सकते हैं। यानी दो में से कोई भी एक याद है तो आपको फैमिली रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये है फ्लो डायग्राम। ठीक है, चूँकि इसमें रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट होते हैं इसलिए दोनों का अलग अलग हमने स्ट्रक्चर बना दिया। अब देखिए, ब्रैक्ट अगर पाया जाएगा ब्रैक्टिएट होगा। ठीक है, तो ब्रैक्ट आप नीचे लगा देंगे। ठीक, ब्रैक्ट के बाद होता है क्या लगाएंगे आप, कैलिक्स। पाइपस होता है इस तरीके से, जनरली 5 होगा पेटल सेपल्स, तो आप 5 के इस तरीके से बना देंगे, पांचों को फ्री कर देंगे। अगर इसको एक दूसरे से यहाँ पर फ्यूज कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, डैम हो जाएगा, पेटल्स फ्री होंगे, सॉरी सेपल्स फ्री होंगे, पेटल्स फ्यूज होंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इसमें रे फ्लोरेट में सभी फ्री होंगे सेपल्स, और इस तरीके से एस्टिबेशन हो जाएगा, वॉलवेट कंडीशन। एक ही सर्किल में सभी सेपल्स अगर हैं तो उसको बोलते हैं क्या बोलेंगे, वॉलवेट। ठीक, अब जो पेटल्स होंगे वो इस तरीके से अरेंज होंगे, देखिए पांचों अलग हो जाएंगे 2x3 के फॉर्म में। ठीक है, और इधर एक साइड पे पूरा पूरा गैप होगा, इस तरीके से ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर हो जाएगा। ठीक, और वही डिस्क फ्लोरेट में ये भी ध्यान रखना है, रे फ्लोरेट में मेल फ्लावर मेल सेक्स ऑर्गन नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ फीमेल होगा, यानी यहाँ पर ओविल होगा सिर्फ। वहीं डिस्क फ्लोरेट में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों फ्लावर में होंगे। अब ये हो गया सेपल्स वॉलवेट कंडीशन में, ये हो गया ब्रैक्ट, और ये हो गए स्टेमेंस, और सभी स्टेमेंस अल्टरनेट करके किससे जुड़े हुए हैं, कोरोला से। ठीक है, यानी पेटल से जुड़े हुए हैं, यानी एपी पेटल्स। अब फार्मूला देख लीजिए दोनों का कैसे होगा। रिफ्लोरेट का सबसे पहले आप लिखेंगे ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट पाया जा रहा है इसलिए ब्रैक्टिएट। उसके बाद जाइगोमॉर्फिक कंडीशन में है तो जाइगोमॉर्फिक। अब इसमें सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन है फीमेल, तो एक ही सेक्स ऑर्गन की वजह से फीमेल लिख देंगे। ठीक है, कैलिक्स, कैलिक्स किस रूप में होता है, पाइपस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो पाइपस लिख देंगे। कोरोला 2x3 जनरल कोरोला फार्मूला है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, किसी पर्टिकुलर एक प्लांट का नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको इसी तरीके से लिखना होगा। कोरोला होगा 2x3 के फॉर्म में तो जुड़ा होगा। ठीक है, यदि 0x5 के फॉर्म में है तो क्या होगा, फ्री होंगे। एंडोसियम, इसमें एंडोसियम प्रेजेंट नहीं है इसलिए एब्सेंट लगा देंगे 0। गाइनेशियम 2 होता है, 2 कार्पल्स होगा, इन्फीरियर ओवरी होगी तो ऊपर माइनस का चार्ज इसी तरीके से लग जाएगा। डिस्क फ्लोरेट में फ्लोर फार्मूला क्या हो जाएगा, ब्रैक्टिएट, और ये जाइगोमॉर्फिक नहीं होता बल्कि एक्टिनोमॉर्फिक होता है। कैलिस कोरोला सभी एक ही साइज सेप साइज के हैं इसलिए किसी भी लेवल में आप कट करेंगे सब इक्वल अमाउंट में बट जाएगा। ठीक है, बाइसेक्सुअल है, मेल फीमेल दोनों हैं इसलिए बाइसेक्सुअल हर्माप्रोडाइट। कैलिक्स पाइपस है तो पाइपस लिखेंगे। कोरोला 5 हैं, ठीक है 5 हो जाएंगे। एंडोसियम 5 हो जाएंगे और अल्टरनेट भी कोरोला लोब से होगा। ठीक है, गाइनेशियम 2 होगा और ऊपर माइनस का चार्ज लग जाएगा, यानी इन्फीरियर ओवरी। कंपोजिटिव फैमिली में अगला इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है या हेडिंग है वो है इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट। ज़्यादातर कंपोजिटिव फैमिली का इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस भी आ ही जाता है, यानी कहेगा सीधा सीधा प्रश्न में कहेगा फ्लोरा डायग्राम फ्लोर फार्मूला के साथ साथ इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट को डिस्क्राइब कीजिए, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए देखते हैं पहले क्या है, यानी आर्थिक महत्व क्या है इस फैमिली का। तो हमारे जीवन में आर्थिक महत्व किस रूप में है, पहले नंबर पर एडिबल खाने के लिए यूज होते हैं, जैसे हेलियंथस ट्यूबरोसम। हेलियंथस ट्यूबरोसम ऐसा प्लांट है जिसका यूज हम एडिबल के रूप में करते हैं। जेरूसलम आर्की कॉक बोलते हैं इसको। ठीक है, दूसरा है लैक्टुका सेटाइवा, सलाद प्लांट इसको बोलते हैं, जनरली सलाद प्लांट के नाम से जानते हैं लैक्टुका सेटाइवा। ठीक है, एडिबल रूप में। इस तरीके से दूसरे हेडिंग हो जाएगी ऑयल एडिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट हैं कुछ जिनसे ऑयल ऑब्टेन किया जाता है, जैसे हेलियंथस एनस सनफ्लावर से क्या प्राप्त किया जाता है, ऑयल ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, इसकी खेती की जाती है कृषि फॉर्म में। कार्थेमस टिंकटोरिया, कार्थेमस टिंकटोरिया प्लांट्स है जिससे ऑयल ऑब्टेन किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में है। ज़्यादातर इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं वो सजावट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग फैमिली कहा जाता है इसको, इसलिए ज़्यादातर प्लांट कैसे होंगे, ऑर्नामेंटल के रूप में। जैसे पहला हो जाएगा इक्लिप्टा,
पहला हो जाएगा एकलिप्टा, दूसरा है संक्चस आर्बेंसिस, डोडाक बोलते हैं इस प्लांट को, लाउनिया, लाउनिया बहुत फेमस प्लांट है, काफ़ी खुशबूदार प्लांट होता है, इसलिए ऑर्नामेंटल के रूप में पॉटेड में लगाया जाता है ये। स्पलेंथस पैनिकुलाटा, स्पलेंथस पैनिकुलाटा को बजदंती बोलते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। क्रिसेंथिमम इंडिकम, गुलदावरी को बोलते हैं क्रिसेंथिमम इंडिकम, ठीक। नेक्स्ट है टैजिटस इरेक्टा, टैजिटस इरेक्टा गार्डन में ज़्यादातर लगाया जाता है, गेंदा का प्लांट, ठीक है, इसको ज़्यादातर ऑर्नामेंटल के रूप में घर में गमले में या गार्डन में ज़्यादा मात्रा में लगाया जाता है। नेक्स्ट प्लांट है ट्रैक्सकम ऑफिसिनेल, ट्रैक्सकम ऑफिसिनेल को कानफूल के नाम से जानते हैं, कॉमन नेम में इसको कानफूल कहते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। पार्थीरियम, ये तो सबसे फेमस प्लांट है और सबसे जहरीला भी, ठीक है, हानिकारक प्लांट है, गाजर घास के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ऐसे ही फील्ड में चारों तरफ फैला हुआ रहता है, बहुत ही हानिकारक है, इसकी पत्तियों को अगर आप टच कर देते हैं तो इससे खुजली होने लगती है। जेंथियम स्टोमोनियम, स्टोमेरियम, जेंथियम स्टोमेरियम ये प्लांट है, ठीक है, ये भी ज़्यादातर इधर उधर रोड के किनारे साइड में मिल ही जाता है। ट्रेडैक्स प्रोकुम्बर्स, ट्रेडैक्स प्रोकुम्बर्स अगला हो जाएगा जीनिया, फिर नेक्स्ट हो जाएगा एजिरेटम हस्टोनियम, हस्टोनियम एजिरेटम भी दिख जाएगा आपको, गंधौरा इसको बोलते हैं, बदबूदार प्लांट है, ठीक है। और लास्ट हो जाएगा बर्नोनिया सिनेरिया, बर्नोनिया सिनेरिया 16 नंबर पे। तो ये थे इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट में कुछ प्लांट के नाम, इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आगे चल के बहुत काम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फैमिली आज की कंपोजिटी लार्जेस्ट फैमिली ख़त्म होती है।